2019 में जलियांवाला बाग के हादसे को 100 साल पूरे हुए, लेकिन सदियों बाद भी उस आतंक से मिले जख्म पूरी तरह से भरे नहीं। एक शख्स थे जिन्होंने ठान लिया था कि इस हादसे के खलनायक को बाकायदा सजा मिले, उधम सिंह। इनकलाब और इंतकाम की ये कहानी को अंजाम तक पहुंचने में 20 साल से भी ज्यादा लगे और फिर उन्हें टाइटल मिला शहीद आजम का। उधम सिंह का जन्म पंजाब में 1899 में हुआ था और जन्म के वक्त उनका नाम था शेर सिंह। बाद में उनका नाम पड़ा उधम, विच कोइंसिडेंटली ट्रांसलेट्स टू अप्रोर इन इंग्लिश, कुछ ऐसा जो वो खुद आगे जाके करने वाले थे। छोटी सी उम्र में माँ बाप को खो देने के बाद उधम सिंह को अपने भाई के साथ एक अनाथ आश्रम में शरण लेनी पड़ी। अनफॉर्चुनेटली कुछ ही टाइम में उनके भाई भी दुनिया से चल बसे। अपनों को खोकर और कड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए बड़े हुए उधम सिंह ने World War I में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सर्व भी किया, जहां अंग्रेजों के लिए लाखों की तादाद में इंडियंस मैदान में अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। वही अंग्रेज ग्रैटिट्यूड की जगह तोहफे में भारतीयों पर एक पे एक जुल्म ढा रहे थे, जैसे कि ये द रोलेट एक्ट। इस एक्ट ने पूरे देश में डिसेंट की एक लहर ला दी और आने भी थी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग लोगों को विदाउट ट्रायल डिटेन किया जा सकता था। सब जगह इसके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे थे। 13 अप्रैल 1999 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठे हुए। बैसाखी का मौका था उसे मनाने, और कुछ वहां गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ दिन पहले हुए दो लीडर्स के अरेस्ट और थोड़े प्रोटेस्टर्स पे हमले के खिलाफ आवाज उठाने आए थे। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनेंट डायर ने उस वक्त अनलॉफुल असेंबली पर प्रोहिबिशन लगा रखा था। जब उनको लोगों के इकट्ठे होने की खबर मिली, वो जलियांवाला बाग कुछ ट्रूप्स के साथ पहुंचे। उस बाग में सिर्फ एक एग्जिट थी और बाकी सब जगह ऊंची दीवारें। बिना कोई हथियार वाली जनता, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, उन पर डायर ने अपने ट्रूप से फायरिंग करवाई अगले 10 से 15 मिनट तक। 1650 राउंड्स फायर हुए। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक लगभग 300 से 400 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि रिपोर्ट्स कहती है कि एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स इससे बहुत ज्यादा थी। जलियांवाला बाग के हादसे के वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर माइकल ओडवायर, जिन्होंने रेजिनल्ड डायर को जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए सपोर्ट भी किया था। इसे पूरी तरह से पुख्ता नहीं किया जा सका, पर रिपोर्ट्स कहती है कि उस दिन जलियांवाला बाग में गोलियों की बौछार के बीच 19 साल के उधम सिंह भी मौजूद थे, और ये भी कि बाद में उन्होंने उस बाग की खून से लदी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर ये शपथ ली कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। जिसने पहले से ही जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देख लिए थे, उनके लिए भी ये कितना खौफनाक रहा होगा, ये सोचना आपके और मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये है अनीता आनंद। इन्होंने एक किताब लिखी है, द पेशेंट असैसिन। ये किताब में उधम सिंह की लाइफ के बहुत से पहलू कवर हुए। इस बुक को हमने एक्सेस किया और ढेर सारी डिटेल्स बाहर आई। बुक से ये भी जाहिर हुआ कि उधम सिंह को सिर्फ जलियांवाला बाग मैसेकर का बदला लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखना सही नहीं होगा। उधम सिंह वॉज मच मोर देन दैट। मैसेकर के बाद उधम सिंह को पैसे की किल्लत झेलनी पड़ी। कभी काम था कभी नहीं। उन्हें स्टेशन के बाहर पानी की टंकियों के पास सोने की जगह मिलती और उनका पेट गुरुद्वारे के लंगर से भरता। इसी दौर में उधम सिंह को ब्रिटिश ओन्ड युगांडा रेलवे कंपनी में नौकरी मिली और उधम सिंह निकल लिए ईस्ट अफ्रीका। लेकिन लगभग एक साल बाद वो वहां से डिसअपियर हो गए। माना जाता है कि ईस्ट अफ्रीका में उधम सिंह को वो मिला जो उन्हें उनकी मंजिल के और करीब ले जाता, एक इंडियन रेवोल्यूशनरी ग्रुप, द गदर्स। गदर्स ने कैसे न कैसे उधम सिंह को इंडिया वापस भेजा अपने काम के लिए। जलियांवाला बाग मैसेकर के बदले को पूरा करना था और उधम सिंह इंग्लैंड जाना चाहते थे, क्योंकि अब रेजिनल्ड डायर और सर माइकल ओडवायर दोनों इंग्लैंड वापस जा चुके थे। उधम सिंह ने एक दाव खेला। एक स्टूडेंट को एडमिशन दिलवाने की मदद के बहाने उधम सिंह ने उनको इंग्लैंड अकंपनी किया, लेकिन वहां कुछ टाइम में उनकी समझ में आ गया कि उनके पास अभी स्किल्स, पैसा और रिसोर्सेज है ही नहीं जिससे वो डायर या ओडवायर के पास पहुंच सके और अपना बदला पूरा कर सके। उधर वो स्टूडेंट जिसे अनीता आनंद की बुक में प्रीतम सिंह के नाम से मेंशन किया है, वो अमेरिका में एडमिशन लेना चाहता था। उधम सिंह जानते थे कि यूएस का कैलिफोर्निया गदर्स के लिए एक सेंटर था, तो मेक्सिको के जरिए उन्होंने अमेरिका में एंट्री ली और गदर्स के लिए उधम सिंह ने काम करना चालू कर दिया। यहाँ उधम सिंह ने एक अमेरिकन लाइफस्टाइल अपनाई, बेहतर कपड़े, जूते, बड़े शौक। उधम सिंह सिटीज चेंज करते रहे। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ शादी भी कर ली, नौकरियां बदली और अपनी इनकम में उन्होंने बढ़ोतरी भी देखी। और तो और उधम सिंह ने अमेरिकन मोटर जाइंट फोर्ड में काम किया। उधम सिंह के पास अब वो सब था
जो उन्हें अपने दर्दनाक बचपन से दूर ले जाता। जॉब, इनकम, घर गृहस्थी और दोस्त, लेकिन वो अपना मकसद नहीं भूले थे। दो में से एक यानी रेजिनल्ड डायर नेचुरल कॉजेस के कारण 1927 में गुजर गए। 1927 में ही उधम सिंह इंडिया वापस आए और इंडिया में वो पुलिस की नजर में आ गए। उनकी तलाशी में मिले आर्म्स और कुछ बैंड गदर पब्लिकेशंस। उधम सिंह को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। देश छोड़ा, हजारों मील ट्रैवल किया, गदर्स को अपनी काबिलियत और लॉयल्टी प्रूव की, और जब वो अपने बदले की तरफ बढ़ ही रहे थे, रेजिनल्ड डायर की मौत हो गई। वहां सर माइकल ओडवायर को इंग्लैंड में खूब इज्जत मिल रही थी और यहाँ उधम सिंह जेल में सालों का वक्त काटने वाले थे। जेल, और वो भी अंग्रेजों के वक्त, काफी मुश्किल। मॉडर्न डे पाकिस्तान के मियांवाली शहर में जब उधम सिंह कैद थे, तब उनकी मुलाकात हुई एक और रेवोल्यूशनरी से, जिनको आगे चल के उधम सिंह ने अपना गुरु मान लिया, भगत सिंह। जिस तरह से भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते गवा दी, उधम सिंह पे इसका गहरा असर हुआ। कहते हैं कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई, उधम सिंह का भगवान से विश्वास ही उठ गया और भगत सिंह की तरह वो एथिस्ट बन गए। उनसे जब पूछा जाता कि उनका धर्म क्या है, तो अपने वॉलेट में रखी भगत सिंह की तस्वीर को दिखा के वो बोलते कि वो अब सिर्फ इन्हें मानते हैं। 1931 में उधम सिंह को जेल कैद से रिहाई मिली। उन्हें इंग्लैंड जाना था अपने इरादों को अंजाम देने, और 1934 में आखिर वो लंदन वापस पहुंच गए एक नए पासपोर्ट से। उनके लंदन तक पहुंचने की कहानी, कैसे उनके पास पैसे आए, वो कहां कहां से होते हुए लंदन पहुंचे, ये उनकी कहानी का अपने आप में एक अलग पहलू है। लेकिन एक पहलू शुरू से अंत तक बदला नहीं था, सर माइकल ओडवायर से बदला। उधम सिंह ने अपने शौक नहीं छोड़े, इनफैक्ट उन्होंने फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाया। अपनी एक्टिविटीज, अलग अलग आइडेंटिटीज और एड्रेसेस से वो अथॉरिटीज की नजर में थे। कुछ साल बाद उधम सिंह ने एक नया नाम अपनाया, मोहम्मद सिंह आजाद, अ सिंबल ऑफ यूनिटी अमंगस्ट ऑल रिलीजन्स, जिस बात में खुद उधम सिंह बिलीव करते थे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये नाम था राम मोहम्मद सिंह आजाद। मार्च 1940 में आया वो दिन जब उधम सिंह के सामने उनकी मंजिल खड़ी थी। ये है लंदन का कैक्सटन हॉल। कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग थी जहां ओडवायर वॉज स्पीकिंग। मीटिंग खत्म हुई और उधम सिंह उनकी तरफ बढ़े। उन्हें देख के ओडवायर को लगा होगा कि उधम सिंह उनसे हाथ मिलाने आ रहे हैं, पर ऐसा था नहीं। और जब तक ये ओडवायर को रियलाइज हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी। उधम सिंह ने इसके लिए लगभग 21 साल इंतजार किया। 21 साल ओडवायर की फिर डेथ हो गई और उधम सिंह ने इसके बाद और भी कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों पर निशाना साधा, पर उस पिस्टल में यूज हुई बुलेट्स जो थी, उनका साइज बराबर नहीं था बंदूक के मुताबिक, जिसकी वजह से बाकी सब लोग बच गए, लेकिन ओडवायर नहीं। शायद उधम सिंह का इरादा कुछ ज्यादा ही पक्का था। उधम सिंह को इंग्लैंड में फांसी हुई और उनके रिमेन्स को 1974 में इंडिया लाया गया। उनकी चिता को आग दी गई उनके जन्म स्थान सुनाम में। जिस इंसान का परिवार उन्हें बचपन में छोड़ गया था, उनके लिए पूरा पंजाब हो गया। उनकी चिता को आग दी तब के पंजाब के चीफ मिनिस्टर और आगे जाके इंडिया के प्रेसिडेंट बने यानी जैल सिंह ने। उधम सिंह की अस्थियां सतलज नदी में बहाई गई। इस नदी में किसी और की भी अस्थियां बहाई गई थी, उनके गुरु भगत सिंह की। और आप आज अगर जलियांवाला बाग विजिट करेंगे तो उसके बाहर आपको ये मिलेगा। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, ना जाने कितनी नौकरियां, तमाम देशों का सफर, अलग अलग आइडेंटिटीज और अपने देश के लोगों पे अत्याचार करने वाले जालिमों को सबक सिखाना। उधम सिंह की पूरी कहानी के सारे पहलू एक वीडियो में उतार पाना शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनकी स्ट्रीट स्मार्टनेस, लॉयल्टी, देशभक्ति और उनके रिजॉल्व को महसूस कर पाना।